स्टॉप भिवंडी कृष्णा कॉम्प्लेक्स एसीपी ऑफिस के पास में आगरा रोड पे एक हादसा हुआ है, आपको पता है, जैसे राजीव गांधी उड़ान पुल का जो एसीपी ऑफिस के पास का जो अप्रोच है, यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है और ये बैरिकेड में अभी एक टेम्पो जो है टकरा गया है और टेम्पो के अंदर फैमिली बैठी हुई थी जो कि पलट के नीचे गिर गई है, काफ़ी छोटे आई है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कितना घमासान, बस ये हमारे आंखों देखा हुआ है और आंखों देखा ही हाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये टेम्पो जाके बैरिकेड में फंस गया है। लोगों को अपनी गाड़ी की हाइट का पता नहीं चलता है जिसके चलते जो ये अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं और अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जो है काफ़ी चोटें आई है और ड्राइवर को भी जो आगे ड्राइवर की सीट पे एक महिला बैठी थी उनके भी सर पे चोटें दिख रही है और ड्राइवर को भी थोड़ी सी चोटें आई है। भीड़ काफ़ी जमा हो गई है, पब्लिक चाह रही है कि उसको किसी तरह से जो है दोबारा नीचे डाला जाए और ये पिकअप को हटा के जो है पब्लिक साइड में ले रही है और पिकअप को साइड में लेने के बाद में अब जो जिनको ज़्यादा चोटें लगी है, जैसे कि दो बच्चे हैं जिनके सर में काफ़ी चोटें आई है, उन्हें फिलहाल IGM हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सारे फैमिली मेम्बर को भी, एक बूढ़ी अम्मा भी है जिनको भी अंदेशा है कि उनको अंदरूनी चोट आई होगी, बैठी है ये कोने में, और महिलाएँ भी काफ़ी हैं जिनके सर में खून नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह का मामला फिलहाल अभी हुआ है, आंखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं और भिवंडी शहर की ये एक दुर्भाग्य हम कहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था कुछ नहीं होने के कारण जो है लोगों को सारे नियम नहीं पता होने के कारण जो है अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लोग ट्रैफिक के नियम फॉलो नहीं करते हैं उसकी वजह से भी कई बार ये हादसे होते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर हो सकता है ट्रैफिक पुलिस आई है तो अब वो ड्राइवर के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे और ड्राइवर को तो खुद ही मार लगा हुआ है, क्या कहे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे, इसके आगे की अपडेट हम आपको देंगे।